यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अपने लास्ट वीडियो के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एजेस ऑफ मैन, आदमी की जो एजेस होती हैं, स्टेज होती हैं। विलियम शेक्सपियर इस पोइम के अंदर कैसे इस पोइम को मीडिएटर बनाते हुए उसने ह्यूमन बींग्स की अलग अलग स्टेज को डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में अपन फोर्थ एज तक अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले कैसे विलियम शेक्सपियर इन्फेंट के बारे में बताता है कि इन्फेंट की एज में जो कैंडिडेट होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मेन होते हैं, वुमेन होते हैं, वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दूसरी स्टेज उसने बताई थी स्कूल बॉय के बारे में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी स्टेज उसने बताई थी लवर की क्या फीलिंग होती है, क्या इमोशन होते हैं, ये सारी बात अपन इन तीनों में डिस्कस कर चुके हैं। चौथी स्टेज थी सोल्जर के बारे में उसने बात बताई थी, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों के बारे में अपन अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ इन्फेंट, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन क्वालिटीज ऑफ स्कूल बॉयज, थर्ड वन इज लवर की क्या मेन पॉइंट होते हैं, सोल्जर की क्या फीलिंग होती है, क्या इमोशन होते हैं, किस टाइप के उसके थॉट होते हैं, किस टाइप के उसके इमोशन होते हैं इस एज के अंदर, किस टाइप का वो उसका बिहेवियर होता है, ऑल दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अपन डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट के वीडियोज के अंदर। अगर अपन आज इस वीडियो के अंदर अपने जो फिफ्थ नंबर की स्टेज है, जिसको अपन कह सकते हैं जस्टिस, न्यायाधीश के रूप में किस टाइप का उसका बिहेवियर रहता है किसी भी ह्यूमन बींग का, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करते हैं। तो जस्टिस को लेके विलियम शेक्सपियर अपने टाइम में क्या उसकी सोच थी, क्या फीलिंग थी, क्या उसके भाव थे, क्या डिस्क्रिप्शन था, वो अपन इस स्टेंजा के अंदर पढ़ेंगे। बोर्ड के अकॉर्डिंग ये स्टेंजा भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्टिस की जितनी भी क्वालिटीज हैं, जस्टिस के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जस्टिस का बिहेवियर किस टाइप का होता था उस समय, या किस टाइप के इमोशन उसके मन में आते थे, इस बात को लेके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑल द स्टेजेस ऑफ दिस पोइम, इस पोइम की जितने भी स्टेजेस हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम के अनुसार ये आपके बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टेजेस जो दी गई हैं, 7 स्टेज जो बताई गई हैं, 7 जो एजेस बताई गई हैं, उसका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो सभी की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से करें, एक एक के बारे में एक एक क्वालिटी, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद होना चाहिए, इंटरमिक्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस वन, आप इसका आंसर देने जा रहे हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द मेन क्वालिटीज ऑफ जस्टिस, एट दैट टाइम आप क्या कर देते हो कि उसके अंदर सोल्जर की क्वालिटी के बारे में पेंटालून की क्वालिटी को इंटरमिक्स कर देते हो, तो आपकी मार्किंग किस हिसाब से होगी, कितने मार्क्स आपके वो काटेगा, इस बात को अपन चैलेंज नहीं कर सकते। पहले से आपको पता है लैंग्वेज है, इसमें मार्क्स को लेकर बड़ा इश्यू रहता है कि सामने वाले की क्या फिलोसॉफी है, क्या साइकोलॉजी है, क्या सोचता आपके आंसर के बारे में, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आंसर कहीं पे भी बिल्कुल मिक्स नहीं होना चाहिए, एक एक क्वालिटी, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक पॉइंट को आपको बड़े ध्यान से याद रखना पड़ेगा और सही से लिखना पड़ेगा। आज अपन फिफ्थ स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टेंजा को पहले अपन रीड करते हैं। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइन, आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगली जो अपनी स्टेज बताई गई है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इस पोइम के अंदर जस्टिस के बारे में वो बता रहा है अपने को, इन फेयर राउंड बेली विथ गुड केपन लाइन विथ आई सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टांस एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट वंस अगेन। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड केपन लाइन with icy wear and beard of formal cut full of visage and modern instance and so he plays his part। ये अपने जो फिफ्थ नंबर का स्टेंजा है उसको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड अपन हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। पहले अपन इसकी इस स्टेज की जो क्वालिटी है वो पहले अपन पढ़ चुके हैं, समरी के अंदर मैंने आपको समझा दिया है, उसके
उसके बाद भी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो पोइट्री के सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर से एक स्टेंजा दिया, जो कि अपन सिलेबस में पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन आंसर की, आंसर की लेंथ क्या है, आंसर कितने वर्ड्स में देता है, कितने मार्क का है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी बात आपको सिलेबस में बताई है। लेकिन ध्यान रखना जैसे आप पोइट्री पढ़ रहे हो तो ये स्टेंजा बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसके नीचे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके आंसर आपको कहने को तो इस स्टेंजा में से देने हैं, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज बना के लिखनी पड़ेगी वो उसका आपको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो एंड यानी और, देन यानी तब, द जस्टिस यानी जो फिफ्थ नंबर की स्टेज है वो जस्टिस की आती है। एक जो न्यायाधीश होता है जो जस्टिस करता है, जो जज होता है, उसके बारे में बताए गए हैं कि उसका जस्टिस किस टाइप का था, एकदम प्योर था या उसके अंदर किसी भी टाइप का प्रिजुडियस था, इस बात को लेके बताई गई है कि उसका जस्टिस एकदम ट्रू था, उसका न्याय जो किया गया था उसके द्वारा जो डिसीजन दिया गया था वो डिसीजन एकदम ट्रू था या फॉल्स था, उसके अंदर किसी भी टाइप की बनावट थी, मिलावट थी या झूठ था या कुछ ऐसी टाइप की कोई टाइप इस टाइप की कोई बात थी, इस बात को लेवे के विलियम डगलस विलियम शेक्सपियर बता रहा है किस तरीके से। एंड देन द जस्टिस, चार स्टेज पढ़ने के बाद फिफ्थ नंबर की स्टेज आती है उसका नाम है जस्टिस, जस्टिस एज को पुकारा जाता है। एंड और देन तब, द जस्टिस यानी फिफ्थ नंबर की जो स्टेज है वो जस्टिस की है। इन फेयर, फेयर का मतलब होता है सुंदर, एकदम सुंदर, ब्यूटी के सेंस में अपन काम में ले सकते हैं, फेयर के क्या सेंस होगा, सुंदर के भाव ले सकते हैं, सुंदर के लिए इंग्लिश के अंदर ब्यूटीफुल कह सकते हैं। राउंड, राउंड यानी एकदम गोल, बेली, बेली का मतलब होता पेट। अब यहाँ से पेट का मतलब किससे है, पेट का मतलब अपने यहाँ है तौंद, तौंद जो बाहर आ जाती है, यानी इस स्टेज के अंदर बहुत ही सुंदर गोलाकार गोलाई लिए हुए, बेली यानी तौंद, बहुत ही सुंदर गोलाई लिए हुए तौंद से युक्त है या तौंद बाहर आ रखी है, किसके, जस्टिस के। ये उसकी क्वालिटी थी, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, या कहीं नहीं अपन कह सकते फिजिकल फिटनेस को लेके बात बताई गई है कि उसकी तौंद बाहर आ रखी है जस्टिस की एज के अंदर, उस सेंचुरीज के अंदर, उस टाइम के अंदर क्या होता था, जस्टिस की तौंद बहुत बार आ रखी थी। आज के सेंस में भी अपन बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज भी आ सकती है, कहीं ना कहीं ये चीज को फॉलो किया जा सकता है। विद गुड कैपेन लाइन, कैपेन लाइन का मतलब होता है मेल चिकन, मेल चिकन, कहने का मतलब होता है विद यानी के साथ, गुड यानी अच्छा, कैपेन कैपोन लाइन का मतलब होता है मेल चिकन, यानी क्या होता है कि उस एज के अंदर मुर्गे के मांस को खा खाकर उसकी तौंद बाहर आई हुई है, यानी कहने का मतलब उसके जो डाइटिंग सिस्टम था, तो खाने की जो हैबिट थी वो बहुत ही ज्यादा थी, रिश्वत के नाम पे उसने मुर्गे का मांस खूब खूब खाया हुआ है। उस एज की अगर अपन बात करें तो उस टाइम में उसका मतलब फूड आइटम इस टाइप की वो खाता था कि कहने का मतलब उसकी जो पूरी तौंद है, उसकी पेट का जो आकार है वो एकदम राउंड हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रही है उसकी तौंद, और उसके बाहर आने का कारण ये था कि कई बार वो जो अपना डिसीजन सुनाता था तो वो डिसीजन सुनाने के लिए अपने डिसीजन को चेंज कर देता था, कहने का मतलब वो रिश्वत ले लेता था, मुर्गे के मांस को रिश्वत के रूप में लेता था। इस टाइप की आदत उसकी कई बार अपने डिसीजन को डिसीजन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती थी, और कई बार उसका डिसीजन प्योर ना होके प्रिजुडियस होता था, यानी बनावटी होता था, कहने का मतलब वो शो करता था दैट व्हाटएवर आई विल अनाउंस, जो कुछ मैं अनाउंस करूंगा, जो कुछ मैं बताऊंगा वो एकदम प्योर होगा, बट ऐसा कुछ भी होता नहीं था। कई बार उसकी जो होनेस्टी होती थी, जो ईमानदारी होती थी, वो एक मुर्गे के मांस में बिक जाती थी, यानी वो चिकन के अंदर अपना वो जो ओनर होता था, अपनी जो ऑनेस्टी होती थी उसको बेच देता था। तो वन सेकंड वापस देखें कि फिफ्थ एज है वो जस्टिस की है, वो जस्टिस के सुंदर गोलाकार तौंद बाहर आई हुई है, और उस तौंद के बाहर आने का कारण उसने रिश्वत के रूप में मुर्गे का मांस खूब खाया हुआ है, सुंदर बड़ा अपन कह सकते हैं मुर्गे के मांस खाने के कारण उसकी तौंद बाहर आई हुई है। आप ध्यान रखना, इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइन, गुड कैपन लाइन का मतलब होता है मुर्गे के मांस खाने के कारण उसकी जो पेट की जो तौंद है वो तौंद गोलाकार और एकदम सुंदर सी दिखाई दे रही है, ये इसका मीनिंग होगा। विथ यानी के साथ में, आई यानी आंखों में, सीवियर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सीवियर का मतलब क्या होगा स्ट्रिक्ट, कहने का मतलब वो जो जस्टिस हुआ करता था, वो जस्टिस क्या करता था, अपनी आंखों में स्ट्रिक्टनेस रखता था, बड़ी अपन कह सकते हैं सख्तता रखता है, आंखों के अंदर क्या रखता है, सख्तता रखता है, यानी आंखों से ये शो करता, ही वांट्स टू, वो शो करना चाहता है, ही वांटेड टू शो, वो शो करना चाहता था दैट दे
ही इज अ स्ट्रिक्ट पर्सन, वो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने डिसीजन को लेके, वो किसी टाइप का कभी कोई गलत डिसीजन नहीं दे सकता है और हर कोई उससे बात नहीं कर सकता था, ऐसा वो शो करता था। वो जस्टिस अपनी आंखों में स्ट्रिक्टनेस रखता था, एंड यानी और बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता था उसकी दाढ़ी। इससे पहले भी अपन ने जो एज पढ़ी थी उसके अंदर आपको ध्यान हो तो सोल्जर की एज के अंदर भी बियर्ड का डिस्कस हुआ था और इस एज के अंदर भी हो रहा, बियर्ड और फॉर्मल कट आपको ध्यान रखना है। जस्टिस की एज के अंदर जस्टिस का जो, जस्टिस की जो बियर्ड होती है उसका कट बड़ा फॉर्मल होता है, बड़ा साधारण होता, सामान्य होता है, जबकि सोल्जर की एज के अंदर आपको मैं पहले ही बता चुका हूं फोर्थ नंबर की जो स्टेज है उसके अंदर अपन ने जो बियर्ड के कट की बात की थी वो लियोपर्ड जैसा होता है, तेंदुओं के जैसा होता है, बड़ा वायलेंट होता है, बड़ा हिंसक दिखाई देता है। तो देयर इज द डिफरेंस, नो नीड टू मेक एनी इंटरमिक्स, आपको किसी भी टाइप का आंसर को नो नीड टू मेक एनी अपन कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपके मन में आंसर को लेके, इंटरमिक्स नहीं होना चाहिए आपके आंसर को, कि अगर दोनों के बियर्ड की बात पूछी जाए। फोर्थ स्टेज के अंदर लियोपार्ड जैसी होती थी और फिफ्थ स्टेज के अंदर जस्टिस की जो बियर्ड होती थी वो फॉर्मल कट में होती थी, तो किसी भी टाइप की कंट्रोवर्सी आपके मन में क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। वापस देखे, विद आई सीवियर, यानी आंखों में बड़ी सख्तता होती थी, बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसके बियर्ड का, दाढ़ी का जो कट होता था वो बड़ा फॉर्मल यानी साधारण हुआ करता था। किसके? जस्टिस की बात हो रही है। ऑल आर द क्वालिटीज ऑफ जस्टिस, ये सारी जस्टिस की क्वालिटीज है कि कैसे उसके पेट की तौंद मुर्गे का मांस खाने के कारण बाहर आ जाती है, आंखों में बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, बियर्ड को लेके उसका एक फॉर्मल कट होता है। किसके बारे में बात कही जा रही है? तो जस्टिस के बारे में। आगे अपन बात करते हैं, फुल यानी भरा हुआ होना, ऑफ यानी से, वाइज यानी से के सेंस में भी आ सकता, काके के सेंस में भी आ सकता, व्याज यानी बुद्धिमान पूर्ण, साज का मतलब होता प्रोवर्स, यानी अपन कह सकते हैं साज का मतलब होता कहावतें बातें, या बुद्धिमान पूर्ण अपन कह सकते हैं कि ऐसी कोई लोकोक्तियां जिसको अपन प्रोवर्स भी कह सकते हैं। यानी ध्यान रखना है कि जो जस्टिस होता है वो हमेशा बातें कैसे करता है, बड़ी बुद्धिमान पूर्ण करता है, वाइज यानी विजडम से युक्त वो अपनी बातें रखता है, अलग अलग कहावतें कहता है, अलग अलग पॉइंट कहता है, वो अलग अलग प्रोवर्स को यूज करते हुए अपने डिसीजन को सुनाता है। तो एक और क्वालिटी इसके अंदर ऐड हो गई, एक और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो गया कि जस्टिस की तौंद कैसी होती थी, राउंड बेली, एकदम बाहर आई हुई सुंदर दिखाई देती थी, मुर्गे के मांस खाने के कारण आंखों में सख्तता होती थी, बियर्ड उसकी फॉर्मल कट लिए होती थी, और जस्टिस हमेशा बातें बड़ी बुद्धिमानपूर्ण किया करता था। भले ही ओरिजिनलिटी इज टोटली डिफरेंट, हकीकत कुछ अलग ही है, बट उसकी आंखों में एक स्ट्रिक्टनेस होती थी, उसकी बियर्ड का कट बड़ा फॉर्मल होता था, उसके बाद वो हमेशा प्रोवर्स ऐसी यूज में लेता था दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वो बड़ा ईमानदार आदमी है, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, इंटेलिजेंट अपन कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका अलग फेस हाइड किया हुआ था, उसका ओरिजिनल में जो बिहेवियर था वो डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था। ये भी ओरिजिनलिटी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, तो ध्यान रखना। फुल ऑफ वाइज साज, यानी उसकी जो बातें थी वो प्रोवर्ब से युक्त थी, यानी बड़ी अच्छी बातें और कहावतें कहता था। एंड मॉडर्न यानी आधुनिक, इंस्टांस का मतलब होता है एग्जाम्पल, इंस्टांस का मतलब होता है एग्जाम्पल, यानी वो अपने डिसीजन को सुनाने में बातें बड़ी बुद्धिमान पूर्ण करता था। एंड मॉडर्न इंस्टांस, और वो भरा हुआ होता था बहुत सारे आधुनिक उदाहरणों से, यानी अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स अपने डिसीजन के अंदर दिया करता था, अलग अलग टाइप की बातें अपने डिसीजन में बताया करता था। कहने का मतलब ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। जस्टिस है वो फिफ्थ नंबर की एज है, उसकी तौंद बाहर आई हुई जो गोलाकार और एकदम सुंदर है, मुर्गे का मांस खा के उसकी तौंद एकदम बाहर आ चुकी है, आंखों में स्ट्रिक्टनेस, बियर्ड उसकी फॉर्मल कट, बातें उसकी एकदम वाइज अपन कह सकते बुद्धिमान पूर्ण थी, प्रोवर्स यूज में लेता था, मॉडर्न एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने डिसीजन को सुनाता था, और अलग अलग टाइप की बातें रखकर अपनी बातों को समझाता था, अलग अलग टाइप की इंपोर्टेंट और इंटेलिजेंट बातें अपनी लाइफ के अंदर किया करता था, अपने डिसीजन में किया करता था। एंड यानी और, सो इसलिए या इस तरीके से, ही यानी वह, प्लेज यानी निभाता है, ही यानी उसके पार्ट यानी रोल को, इस तरीके से वह अपने रोल को निभाता है, या वो अपने रोल की प्ले करता है, रोल को कंप्लीट करता है। इस तरीके से ये जस्टिस की सारी क्वालिटीज हो गई जो आपको ध्यान रखना है। वंस अगेन मैं वापस बता देता, एंड देन डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द
टोटल फोर्थ स्टेजेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग लाइफ, आदमी के जीवन की चार स्टेजेस के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जस्टिस। आज अपन जस्टिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द मेन क्वालिटीज ऑफ जस्टिस, डिस्क्राइब द फिफ्थ स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ जस्टिस। पांचवी स्टेज के बारे में डिस्कस कीजिए ह्यूमन लाइफ की, एंड देन द जस्टिस, और फिर जो स्टेज आती है वो जस्टिस की है। इन फेरी फेयर राउंड बेली, सुंदर गोलाकार तौंद उसके बाहर आई हुई, विद गुड केपॉइन लाइन, मुर्गे का मेल चिकन मांस खाने के कारण वो तौंद बाहर आई हुई है। विद आई सीवियर, आंखों में स्ट्रिक्टनेस है, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसके शेव का कट एकदम फॉर्मल है, फॉर्मल तरीके से बियर्ड हो रखी है। फुल ऑफ वाइज साज, बातें बड़ी बुद्धिमानपूर्ण प्रोवर्ब्स वो काम में लेता है, एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक उदाहरण के थ्रू अपने डिसीजन को सुनाता है, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, एंड इस तरीके से वो अपने भूमिका अदा करता है, अपने रोल को प्ले करता है। ऑल आर द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द जस्टिस, ये सारे पॉइंट है जस्टिस से रिगार्डिंग। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बोर्ड एग्जाम में इसकी क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ये पॉइंट कहीं ना कहीं सोल्जर के अंदर भी था, वहां के बियर्ड का कट होता है लियोपार्ड का जैसा सोल्जर में, फोर्थ नंबर के स्टेज के अंदर, और यहाँ पे जो कट होता है वो किसके बराबर होता है, फॉर्मल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बात इसमें अपन देख रहे हैं, तो ये उसकी क्वालिटी अगर अपन पढ़ते हैं तो उसके पीछे उसका हाइट किया हुआ कोई दूसरा फेस भी है। कहने का मतलब डिसीजन को लेके वो बड़ा अटेंशन रखता है, डिसीजन को लेके बड़ा सीरियस है, लेकिन हकीकत रियलिटी उसकी अलग है। कई बार अपने उसके डिसीजन के अंदर उसका प्योर डिसीजन नहीं होता है, और प्रिजुडियस वाला भाव छुपा हुआ होता है, फॉल्स वाली बात छुपी हुई उसके अंदर होती है, और कई बार खुद के बेनिफिट के लिए, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए वो सामने वाले को किसी भी टाइप का नुकसान भी पहुंचा के अपने डिसीजन को भी गलत दे दिया करता था। उस समय की अगर अपन बात करें, ये सारी जस्टिस की क्वालिटीज थी जो आपको ध्यान रखना है, पहले ही बता चुका क्वेश्चन से रिगार्डिंग। अपन अपने अगले वीडियो के अंदर इसके आगे की जो स्टेजेस हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।